हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब ने नोटिस किया है कि जो उबटन ब्राइड्स को लगाया जाता है उससे उनके फेस पर कितना ग्लो आता है, पर यह हर स्टेट में अलग और डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ उसकी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि शादी के टाइम में जो दुल्हन के चेहरे पर ग्लो आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो उस ग्लो को पाने के लिए इतना इंतज़ार क्यों करना। चलिए आज ही उस उबटन को बनाते हैं और अपनी स्किन को ग्लोई, गोरी और ब्राइटन बनाते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। क्योंकि ये ब्राइडल उबटन है सो इसमें डाले जाने वाले इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा खास और स्पेशल होंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी मसूर की दाल, उड़द दाल, मूंग की दाल, चने की दाल या बेसन, चावल, संतरे का पाउडर, मुलेठी, हल्दी, चंदन का पाउडर और काबुली चने की। इसमें आप गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो सब आपको सेम क्वांटिटी में लेना है, और अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब को मिलाकर आप मिक्सर में पीस कर इसका एक पाउडर तैयार कर लें। आप इसे एक मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसे रोज नहाने से पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से कटोरी में लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे दूध के साथ मिक्स करें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे गुलाब जल के साथ मिक्स करें। इसे अच्छे से आप अपने पूरे फेस, नेक और पूरी बॉडी पर लगाएं। इसे हाफ आवर के लिए लगा रहने दें। उसके बाद स्क्रबिंग करते हुए इसे निकालें। स्क्रबिंग से पूरी बॉडी के अनवांटेड हेयर, डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे। इससे आपके फेस के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी निकल जाएंगे। इसके बाद आप अपना चेहरा आइस वाटर से धोएं। अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप इसे रात में लगाएं। इससे ये दुगना असर करेगा, क्योंकि रात में आप सनलाइट में जाने से बच जाते हैं और सुबह उठकर आप एक ग्लोइंग और निखड़ी स्किन पाते हैं। इसे आप अल्टरनेट डेज में यूज करें और अपने फेस को बेदाग और पिंक बनाएं। तो देखा आपने दोस्तों, ब्राइडल उबटन को बनाना और उसे यूज करना कितना आसान है। तो आप भी जल्दी जल्दी इसे बनाइए और अपने फेस को दीजिए ब्राइडल वाला ग्लो। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।